सो गाइस, सबसे पहले आपको काइनेमास्टर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन पे। अगर फ्रेंड्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तब आप हाउ टू डाउनलोड वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। वो वीडियो देखने के बाद आप मेरा लिंक से इजीली कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 रेशियो को ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप मीडिया पे जाएं, बैकग्राउंड पे जाएं, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को ले लें, उस पर टैप करें और 10 सेकंड तक कर दें। और उसके बाद यहाँ पर आपको लेयर पे जाना है, टेक्स्ट लिखना है, जो अपना नेम लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं ये वाला लिख लेता हूँ। उसके बाद ओके कर लें और यहाँ पर आपको ए पे आ जाना है और यहाँ पर आपको स्टोर का ऑप्शन पे चले जाना है और अपना इंटरनेट को ऑन कर लेना है। और सैंस सिरिफ के अंदर ये वाला फॉन्ट बेबास न्यू, ये वाला फॉन्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इसे ऑन इंस्टॉल करने के बाद या डाउनलोड करने के बाद आपको उस पर आ जाना है और सबसे पहले जो क्या लिखा है बेबास न्यू बोल्ड, ये वाला को क्लिक कर दें, देन ओके कर दें और इससे आप कुछ फूल कर दें ऐसे, मतलब बड़ा कर लें और इसे आपको पूरा एंड टाइम तक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर चले जाना है और यहाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। तो आपको उसके बाद इसे इंपोर्ट करना है और नीचे ब्लेंडिंग पर आ जाना है और यहाँ पर आपको डार्केन पे क्लिक कर देना है। तो डार्केन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर जो टाइमिंग के लिए शो नहीं हो रहा है तो इधर से आप ट्रिम टू कैंची के ऑप्शन पर जाकर ट्रिम टू लेफ्ट कर दें और इसे आप पकड़ के इधर स्लाइड कर दें और इधर का साइड को आपको कट करके हटा देना है, लाइक कुछ ऐसे। अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप ऑडियो लेना चाहते हो तो इधर से आप ऑडियो भी ले सकते हो। तो जो मैं आपको स्टार्टिंग पे सॉन्ग सुनाया है उसका नेम है अर्जुन रेड्डी बीजीएम। तो देख सकते हैं ये सॉन्ग का नेम है अर्जुन रेड्डी बीजीएम। तो आप उसके बाद ये सॉन्ग को ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके हाई क्वालिटी पे इसे एक्सपोर्ट कर लें। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो इंक का वीडियो है उस पर क्लिक करना है, डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, लेयर पे जाना है, उसके बाद मीडिया पे चले जाना है और उसके बाद ये वीडियो को इम्पोर्ट कर देना है। तो इसे इम्पोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वीडियो ऐसा है। तो इसका नीचे पे आपको ब्लेंडिंग पर आ जाना है और यहाँ पर डार्केन पे या मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो इसे उसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और कुछ आपको ऐसे ऊपर तरफ कर लेना है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पार्ट को कैंची पे क्लिक करके हटा दें और यहाँ पर उसके बाद इसे भी शेयर पे क्लिक करके हाई क्वालिटी पे एक्सपोर्ट कर लें। तो इसे एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उस वीडियो पर फिर से टैप करना है, डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पे चले जाना है, उसके बाद आपको इसे इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टार्टिंग कुछ सेकंड कट कर देना है, तो कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू लेफ्ट, सबसे पहले वाला मतलब स्टार्टिंग का कुछ टाइम आपको कट कर देना है। और यहाँ पर उसके बाद आपको ब्लेंडिंग पर आ जाना है और यहाँ पर डार्केन पे या मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर इसका टाइमिंग को आप बढ़ाना चाहते हो तो ये वाला बढ़ा दें ऐसे कुछ। तो ऐसे करके सिंपली आप बना सकते हैं ये वाला वीडियो। और गाइज, अगर आप इससे भी खतरनाक एडिटिंग करना चाहते हो अपने टिकटॉक के लिए, लाइकी के लिए या किसी और चीज़ के लिए भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है एक वेबसाइट का, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी और वहाँ पर मैं पर्सनली आपको सिखाऊंगा एडिटिंग कैसे करते हैं। तो जाके प्लीज़ ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी। तो देखने के लिए धन्यवाद गाइज, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।